मैं तो एक दिन में, मैं एक ही दिन के लिए आया था, एक ही दिन में शूट हुआ है गाना और मुझे पता भी नहीं था, सडनली पाजी भेजे तो गाना तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो बिना डांस प्रैक्टिस, जगह पे जो भी डांस प्रैक्टिस किए वो उसी दिन सेम डे की है जिस दिन शूट करने का था, और बहुत ही मस्ती की है, मस्ती करते करते शूट कर लिए, मालूम भी नहीं पड़ा कि शूट हो गया। सूरी पाजी से मेरा एक अच्छा रिलेशन है, एक बड़े भाई जैसे है, वो मेरे इससे पहले भी सॉन्ग लॉन्च में आ चुके हैं, और मस्ती में नाचो जो मेरे भाई का सॉन्ग आने वाला है उसमें भी को प्रोड्यूसर है। सो इसलिए ये गाना मेरे को बोले कि तू करेगा तो अच्छा रहेगा, तो फिर बड़े भाई है बोले तो फिर मैं ये सोचने में थोड़ा टाइम दिया आपने कि हाँ नहीं, मैं सडनली मेरे को एक दिन पहले गाना भेजे, बोले कि 3 दिन बाद शूट है, और उसके जिस दिन गाना शूट किया उस दिन, उसके एक दिन पहले भी कुछ तो फेसबुक की पार्टी थी 10 मिलियन की, 10 मिलियन की पार्टी के पास नेक्स्ट डे शूट हुआ, शूट के बाद तुरंत उसी दिन अगले अर्ली मॉर्निंग में गोवा गया था, तो 3 दिन में कंटिन्यू नहीं सो पाया था वो ये गाने के शूट के लिए। सॉन्ग तो एक स्टेप है, उसके बाद एक और स्टेप है, तो धीरे धीरे इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते ही जा रहा हूँ। आप लोग की दुआ, ऐसी प्यार, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो अभी सॉन्ग है, फिर आगे वेब सीरीज, फिर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, मैं तो देख रहा हूँ, मेरे को तो कमेंट्स में एडी लवर्स तो कमेंट भर ही डाले पूरा, इतने बड़े बड़े कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमेशा की तरह आप लोग अपना प्यार इतना दिखा रहे हो, सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। और ये मेरा अलग रूप देखे, वही कबीर सिंह में इंटेंस, फिर सब अलग अलग जॉनर में, अभी ये जैसे फन सॉन्ग था एकदम, अब इसके बाद एक और है वो थोड़ा रैप सॉन्ग है, उसमें 307 है, तो उसके लिए भी सब लोग एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा। और पाजी कैसे हो, कैसा दिख रहा हूँ? मैं इससे पहले कभी रंग से ऐसा कुछ होली कभी नहीं खेला, ये शूट था तो पहले तो बहुत डरता था कि आँख में कुछ लगेगा ये, पर ये सॉन्ग शूट करते करते होली भी खेले और पता भी नहीं चला कि कब शूट हुआ, शूट कर रहे थे कि मस्ती कर रहे थे। वो तो मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और एडी लवर्स का तो प्यार तो देखने ही, खाली बस यहाँ से एक पोस्टर यहाँ पे वायरल हो रहा है, अगर सोशल मीडिया पे गलती से कोई पोस्ट कर दे रहा है तो इतने सारे पेजेस पे और इतने सारे यूट्यूब पे सब दिख रहे सब वीडियोस, उसी चीज़ से एक पर्टिकुलर चीज़ का इससे पता चल रहा है कि कोई भी एक चीज़ को लेके कितना हम लोग के एडी लवर्स जो हम लोग की बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा एंड बहुत मज़ा आया, शूट जैसा ही फील नहीं हो रहा था, इट वाज अ ग्रेट टाइम, इट वाज अ ग्रेट शूट एंड टीम वर अमेजिंग, और सब लोग इतने प्यार से ट्रीट कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा, एंड फील हो गया, फील ही नहीं हुआ कि हम कोई वर्क कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा था कि हम अपनी फैमिली के साथ बस एक होली पार्टी मनाने आए और बस हो गया। बहुत मज़ा आई। हाँ ऐसा लग रहा था कि हमने पहले ही होली मना ली। जी क्या क्वेश्चन था? होली से पहले कितना होली के मजे आपको मिले चुके हैं? इस शूट की बात कर रहा हूँ जी, इस शूट में तो हमने जब स्टार्ट ही किया था जो इन्वायरमेंट था और जो सेटअप बना हुआ था और जब स्टार्ट हो रहा था तो हमें ऐसा फील हो रहा था कि हम किसी होली पार्टी में आए, क्योंकि आप जैसे गाने में देखोगे जिस तरीके से उसका पूरा इन्वायरमेंट है ऐसा लगेगा कि प्रॉपर होली पार्टी हो रही है। मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ था एंड आई थिंक 11-12 बज गए थे ना, हमने मॉर्निंग 7 o'clock से स्टार्ट किया था और इवनिंग 7 o'clock को ख़त्म किया था, क्योंकि ये होली का पूरा था तो हमें पूरा डे शूट करना था, और हमने मलाड में शूट किया था, मलाड, उसके साथ काम करके मतलब ऐसा लगता है वो सबके साथ एक जैसे है, वो किसी के साथ ऐसा नहीं है कि वो यहाँ टाइम दे, वो सबको एक जैसे टाइम देता है, तो एकदम फन था उसके साथ काम करना। निशा के साथ काम करने कैसा लगा आपको?
निशा के साथ मैंने पहली बार काम किया, हम डायरेक्टली सेट पे मिले सेट थे मिले हाँ सेट पे मिले थे और ऐसा फील ही नहीं हुआ कि लाइक हम जानते हैं, सडनली मिले और अदनान एक ऐसा था कि इतना फन था सबके बीच में कि हम सब एक जैसे एक फैमिली फील हो रहा था। अदनान को तो मैं पहले से जानती थी, मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था काम करने में। लास्टली थोड़ा गाने की एक झलक हो जाए अगर आप लोग सुना सके। रंग लगाया तूने ऐसा, चुनरिया रंगीली हो गई तूने, भांग पिलाई तूने ऐसी, हवाएं नशीली हो गई। वीडियो निकाला है, बहुत मेहनत की है, आनंद हैज़ डन अ फिनोमिनल जॉब और राज सर भी बहुत बहुत सपोर्टिव रहे हैं थ्रू आउट द प्रोसेस एंड वी होप कि आपको बहुत बहुत अच्छा लगे गाना और आप उसको बहुत सारा प्यार दो और शेयर करो उसे एंड गिव अस लॉट्स ऑफ लव। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एनर्जी के बारे में बोलना चाहूँगा, जैसा आप लोगों को वीडियो देख के लगा होगा द एनर्जी वॉज जस्ट अमेजिंग एंड आई थिंक राज सर और आनंद सर ने ये स्टार्टिंग से ही मेक श्योर करा था दैट एनर्जी सेट पे जो रहे वो इधर एंड देन वी इन्जॉयड अर सेल्फ वेरी मच। आई एम श्योर सारे आर्टिस्ट ने बहुत इन्जॉय करा एंड आई थिंक दैट्स व्हाट यू गाइस सी ऑन द वीडियो, सो इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। Oh yes, definitely, definitely. I'm looking forward for this song to actually enjoy it on Holi, you know. So yeah, it was great. हमने बहुत होली खेली है song के time पे, बहुत ज़्यादा, काफी कपड़े बदले हैं shoot के time पे, choreographers, directors ने भी, तो बहुत भीगे हैं हम लोग, और actually Holi ही खेली है to get that vibe, get the feel of the song. हम सभी होली खेल रहे थे ऐसे, तो it was a lot of fun. Yeah, it was. Okay. Well, it was difficult or easy for you to go again for the cast? I was trick here. Trick question. That's a trick question. It was. I think when बहुत सारे artists होते तब थोड़ा difficulty होता है, पर बहुत सब बहुत supportive थे और
प्रोसेस बहुत इजी हो गया था इवेंचुअली, हम सब फ्रेंड्स बन गए थे और मस्ती कर रहे थे सेट पे, तो इट वाज मोर कि हम पार्टी कर रहे हैं और साथ साथ में शूट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ सिर्फ यू नो एक प्रॉपर शूट 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 हो रहा है और अरे ये करो वो करो, तो वो सब नहीं था. इट वाज वी वर हैविंग फन और उन लोगों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है जो सिखाया गया था और बहुत मस्ती करी है, विच इज़ व्हाट द सॉन्ग इज़. होली है, रंग लगाओ एंड एंजॉय योरसेल्फ, दैट्स व्हाट वी वर ट्राइंग टू पोर्ट्रे. ओके, लास्टली दोनों से जाना चाहेंगे, आप लोग की एसोसिएशन देसी के साथ कितनी अच्छी रही है? देसी के साथ इट वॉज ब्रिलियंट, क्योंकि राज सर स्पेशली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है. वो हमें अपना काम करने देते हैं, वो क्रिएटिवली आइडियाज़ देते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं, तो इट वॉज अ लॉट लॉट ऑफ फन टू वर्क विद देसी एंड आई होप आई डू अ लॉट लॉट मोर वर्क विद देम इन द फ्यूचर एंड यू सी अ लॉट मोर वर्क फ्रॉम आवर साइड. आई थिंक कमिंग बैक टू व्हाट शी सेड, फ्रीडम एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है एक क्रिएटिव साइड का. एंड आई थिंक देसी हैड दिस फ्रॉम द स्टार्टिंग, के वो हमको फ्रीडम दे रहे थे डिफरेंट चीज़ें ट्राई आउट करने का. एंड इवन इवन हर, शी हैज़ बीन अ कमेंडेबल कोरियोग्राफर ऑन द सेट एंड आई जस्ट लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हर अगेन. इट वाज अ ग्रेट सेट डेफिनेटली. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू. या ये सोशल मीडिया की कितनी स्ट्रांग है और कितनी एक्साइटेड हो जाती है हम लोग की कोई भी चीज़ को लेकर. Actually, this is my first day wearing a music video.
Hello, hello. Well, this is my first ever Indian music video and I'm very excited for you. I had a lot of fun during the show and all the team were very amazing and I was very happy to work with such a team. And yeah, thank you. सबसे
exactly what happened. But the family. So it was a good, holy experience for us. यहाँ पर है गौरव पारिक फ्रॉम बॉम्बे अड्डा, मैं चाहूंगा वो यहाँ है. गौरव, स्पेशल थैंक्स टू गौरव, वी हैव बीन एसोसिएटेड फॉर द लास्ट 10 इयर्स. आओ यार गौरव, इधर आएगा. आई वांट ऑल द स्टार जो जो अदनान निशा सारे आओ इधर प्लीज. का ही इज अ मैन. हम शायद 10 साल हो गए, 15 साल मूवी रिलीज सब से ज्यादा अभी है. मैं लाइक ब्रदर्स एंड आई एम हैप्पी कि आनंद गॉट एसोसिएटेड विद अस. आनंद भाई आओ, और जो जो जुड़ा हुआ है गाने से सब आओ. आनंद भाई गाना बजा एक बार भाई, वापस जाने खाली गाना बजा, वीडियो मत बजा, गाना बजा. यास्मीन और मैं चाहूंगा मिसेस आनंद भी यहाँ पर आए. वो कब से फोटो बना रही है, ऐसा नहीं चलेगा तो नहीं तो तेरी फोटो मैं यहाँ लिख कर दूंगा तुम लोग दोनों की. कैसे कैसे तुम लोग सोचते ये देखो, इसके वजह से यार ना ये तंजानी आती ना ये गाना बनता, ना तंजानी आती ना ये गाना बनता. डायरेक्टर बताएगा, देखो अभी डायरेक्टर बताएगा कि हमने इसको कितना तंग किया. पेमेंट का चेक अभी रुका के रखे, तंग किया इसको तेरे को. बात तो बोलो बोलो भाई, बात तो कर तो. ये प्रॉपर्टी है, उसका नाम है रोहित मेजर. इस साल 5वां साल है, तो हमको उसके लिए एक बढ़िया सा गाना बनाना था. तो मैंने भाजी को बुलाया, रोहित एक गाना दो बढ़िया सा और अच्छा शूट करते हैं. और ऐसे में स्टोरी चालू हुई और ओम और दीक्षांत ने बहुत ही अच्छा ट्यून बनाया. फिर हम लोग इतने एक्साइटेड हो गए कि हमने सोचा होगा कि ऐसे छोटा मोटा फुटेज लेके गाना शूट कर लेंगे. हमने पूरा का पूरा उसको शूट किया, अच्छे से प्लान किया, अच्छे से रिलीज किया, फुल फ्लेज्ड म्यूजिक वीडियो बनाया. और बाकी काम कर ही रहे थे तो उसका लॉन्च भी हो गया. और गाना तो आप देख ही रहे हो, और ऑफकोर्स 4-5 गाने आए हैं होली के, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है कि टाइम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर गाना यही होने वाला है. एंड आई थिंक वो लग ही नहीं रहा था हम लोग भी जब शूट कर रहे वो पूरे शूट में आई थिंक सबसे ज्यादा वर्कआउट मैंने ही किया. थैंक यू. लेकिन आए मैं इतना बोल सकता हूँ आपको, इन्होंने अपने घर जैसा मेरे भाई बन गए, कंधे से कंधा मिलाया. सभी सभी अदनान भाई, यास्मीन भाई, मेरा निशा, हमारे मोना मोना भाई जो हमारे दानिश और थाना आ रहे हैं, वो क्या थोड़ा रोमांटिक कपल है ना, तो लोगों ने और तब तक हम एक बार गाना सुनेंगे वापस, और शायद अब मैं भी नाचूंगा. सबसे पहला आगे डायरेक्टर नाचेगा, पीछे डीओपी नाचेगा. इन लोग नाचे नहीं, इन्होंने नचाया है और धनेश की खबरदार तो नाचे, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही चलाना है. तो ये सबसे खूबसूरत कन्या सना, और ये और भी मैं भी अच्छा दानिश दानिश भाई ने लेट किया कि इसने तेरे को लेट किया सच सच बताओ बताओ किसने किया होगा पक्का बताओ हमेशा हमेशा करने मोहल्ले वाले कितने लोग मुझे फोटो खींचा कितना चाहते और उसने मैंने बोला था ट्रेन से मार कर आज बोला कर देखो देखो पार्टी मुझे घर जाके मार नहीं खानी है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ लेट मैंने किया है आज बोला था ट्रेन से बता चलो अरे सना के आप
थैंक यू सो मच गाइस फॉर लविंग अस अ लॉट और गाने का रिस्पांस आप लोगों ने देखा ही है बहुत मजा आ रहा है और माई सेल्फ सिंगर कंपोजर बट एज एन एक्टर मैं फर्स्ट टाइम किसी गाने में एक्ट किया हूँ और डांस भी किया हूँ बहुत गंदा था मैंने मैंने पानी से खुद बोल दिया था जो डांसिंग वाले सीन है ना वो कट कर देना मेरे साइड में तो मुझे एज एन एक्टर जैसे आपको यूज करना कर सकते हैं लेकिन हाँ तो रैप वाला पार्ट बहुत अच्छा था बचपन में कॉफी रैप करता था तो पाजी के लिए बात की नजाकत को जरा समझने की कोशिश कर रंगीन ये जो समा हुआ है हो रहा इसका असर थैंक यू सो मच गाइस बाकी क्वेश्चंस अलग के लिए मतलब आपके इंतजार में हम हो गए हैं फना फाइनली वी हैव सना तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपके को-स्टार्स हैं कितना मजा आया आपको काम करके एंड वो जो ओवरऑल फील होता है ना कि हाँ होली का गाना आ गया है वो फील आप शेयर करिए पहली बार मुझे तो बहुत सारे अच्छा लगा और शूट पे टाइम तो मुझे लग रहा ही नहीं था कि शूट हो रहा है मैंने इतना मस्त किया और डांस तो फर्स्ट टाइम किया पता नहीं The best dancer award goes to me. और दानिश भाई बच्चू सो ये जो ओवरऑल फील है बहुत ही वाइब्रेशियस मर्क्यूरियल एंड फुल ऑफ एंथुसियाज्म है एंड मैं मीडिया को बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी और दोबारा शुक्रिया करना चाहूंगी और उनसे भी बोलना चाहूंगी लाइक शेयर सब्सक्राइब देसी रिकॉर्ड्स ये हमारे मतलब गाने को सपोर्ट करिए एंड अब हम ये काटेंगे सो इस ब्लिसफुल जर्नी के लिए थैंक यू एंड वन ऑन वन इंटरव्यूज भी अब तैयार हैं तो आप आपके फेवरेट आर्टिस्ट का ले सकते हैं एंड सभी स्टार्स थैंक यू यास्मीन थैंक यू मुन्ना